नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आजकल बिहार में जब से सत्ता में बीजेपी आई है, नीतीश कुमार के संग सरकार बनी है, बहुत ही जोश में है बीजेपी के नेता और ऐसा लग रहा है कि बिहार की जितनी समस्याएं हैं उनका समूल नाश कर दें और अपराध को भी खत्म कर देंगे। कह रहे हैं कि देखिए, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो खराब होती है या खराब है, उसके पीछे मूल रूप से तीन वजहें हैं। मैं भी मानता हूं, ठीक ही कह रहे हैं सम्राट चौधरी, तो और भी तेवर अपनाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि सच में यूपी का योगी मॉडल, मतलब गाड़ियां यहां भी पलटेंगी। तो सम्राट चौधरी कल मौर्या होटल में मोदी कॉन्क्लेव में थे। उन्होंने कहा कि बिहार से जमीन माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया, इन तीनों को नष्ट कर देना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को कह दिया है कि आप इनका नाश कीजिए। देखिए, यदि यह नाश हो जाते हैं ये माफिया, वैसे मेरी मान्यता रही है कि बिहार में बहुत ऑर्गेनाइज्ड गैंग नहीं रहे। देखिए, स्वयं सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों विधानसभा में कहा कि नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके शासनकाल में एक अन्य मार्ग, मतलब मुख्यमंत्री के निवास से, कोई गुंडागर्दी नहीं हो सकती है, कोई गैंग नहीं चल सकता है। इसके साथ हम यह भी मानते हैं कि बिहार में कोई यूपी की तरह अतीक अहमद नहीं है, कोई मुख्तार अंसारी नहीं है, कोई ब्रजेश सिंह नहीं है, कोई शिवप्रकाश शुक्ला नहीं है, या फिर जो भी इतने बड़े किस्म के अपराधी जो हैं वो लफुए हैं। लेकिन लफुओं का प्रहार जो होता है ना, वो घातक होता है और इसके कारण बिहार की बदनामी होती है। तो बात बालू माफिया की, बात शराब माफिया की, बात जमीन माफिया, ये माफिया पनपते क्यों है और इस माफिया गैंग में कौन कौन लोग शामिल है, क्या बीजेपी नाश कर पाएगी? अभी हमने देखा, जब सरकार बदल रही थी तो सरकार बचाने के लिए किन किन विधायकों की मदद ली गई? बालू माफिया की मदद भी ली गई, दूसरे माफिया भी आ गए जिनके बारे में बीजेपी कह रही थी जब विपक्ष में थी, दलित आईएएस के हत्यारे, उनके साथ भी दोस्ती बन गई, बाहुबली अनंत सिंह भी अच्छे लगने लगे। तो नाश तो होना चाहिए, लेकिन ये पनपते क्यों हैं और इनका खात्मा क्यों नहीं होता है, इस बात को समझने की जरूरत है। बिहार के लोग भी समझना चाहते हैं। अजीत जी, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने जो भूमिका में अपनी बात कही, वो सबसे मूल सवाल ये है कि इस तरह के माफिया पनपते क्यों है। उसका बुनियादी कारण ये है, बुनियादी कारण इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। बिहार की गरीबी है, उसकी उसका पिछड़ेपन है, उसका उसके वहां की अशिक्षा है, निरक्षरता है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके बीच इस तरह के माफिया पनपते हैं। जो राज्य साक्षर हो गए, जिन राज्यों में शिक्षा का स्तर बढ़ गया, जिन राज्यों में गरीबी का उन्मूलन हो गया, लगभग उन्मूलन हो गया, उन राज्यों में आप देखिएगा इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नाम मात्र की होंगी। अपराध कहीं खत्म नहीं हो सकता है, अपराध की तो का नेचर बदलता रहता है, अपराध तो कहीं खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन जो संगठित अपराध होते हैं, जो माफिया कहते हैं, ऐसे अपराध जिनसे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा हो, उस तरह के अपराध बहुत कम होते हैं, बहुत मामूली सुनने को मिलते हैं। आप तमिलनाडु चले जाइए, केरल चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, कर्नाटक, ये सब अच्छे कारणों से, अच्छी चीजों के लिए ये सब स्टेट खबरों में रहते हैं जी। जब माफिया के लिए, लैंड माफिया, सैंड माफिया, लिकर माफिया, इनकी वजह से चर्चा में नहीं रहते हैं, राजनीति में अपराधीकरण के लिए चर्चा में नहीं रहते हैं कि बाहुबली नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी मदद एक हर पार्टी ले रही है, इसके लिए चर्चा में नहीं रहते हैं। वहां अपराध होते भी हैं तो आर्थिक अपराध में, वहां का नेता अगर पकड़ा जाता है तो आर्थिक अपराध में पकड़ा जाता है उसको, डेवलपमेंट बिल्कुल वो, जिसको हम लोग अगर हम लोग उस दिन भी चर्चा कर रहे थे शैवाल गुप्ता की, वो हमेशा कहते थे कि एक आउटपुट घोटाला होता है कि इनपुट घोटाला होता है, तो आउटपुट घोटाले में पकड़े जाते हैं लोग वहां के। आउटपुट घोटाले को लोग ज्यादा खराब नहीं मानते हैं, उसमें यह है कि आपने काम करा दिया, उसमें आपने कुछ पैसे कमाए जिस पर आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया, या चोरी कर ली, ब्लैक मनी क्रिएट किया आपने,
यहाँ इनपुट घोटाला बिहार में होता रहता है, अगर इकोनॉमिक ऑफेंस भी होता है तो वो इनपुट घोटाला होता है कि जिस बिल्कुल सही बात है ना, हम पैदा करने वाले राज्य नहीं, हम खाने वाले राज्य, प्रोड्यूसर स्टेट नहीं है, कंज्यूमर स्टेट है। इनपुट में ही घोटाला कर देते हैं हम लोग, यहाँ कोई चीज आई है किसी चीज के लिए, हम लोग उसी में से पैसे खा के काम हो या नहीं हो, तो ये बिहार में इकोनॉमिक क्राइम भी इस तरह के होते हैं। लेकिन जो जो राज्य विकसित हो गए, जिन राज्यों में गरीबी का उन्मूलन हुआ या शिक्षा का स्तर बढ़ा, वहां से एक एक खबर अभी हम लोगों ने देखी, आपने भी देखी होगी कि 23 बच्चों ने नीट जो जेई की परीक्षा होती है इंजीनियरिंग, 23 बच्चों ने 100% हासिल किया, जिसमें 7 बच्चे अकेले तेलंगाना के थे। बिल्कुल, वहां का नेता भी रोता रह सकता था कि हम तमिलनाडु से अलग, आंध्र प्रदेश से अलग हो गए, हमारा बंटवारा हो गया, हमारी इकोनॉमी खराब हो गई, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो क्या कर लेते, वो लोग रोते रहते। लेकिन आज ये स्तर है, ये 23 में से 7 बच्चे 100% वाले तेलंगाना के हैं, और बिहार का एक भी बच्चा नहीं है जिसको ज्ञान की धरती कहते हैं। तो ये फर्क है। हमारे यहाँ इस तरह की खबरें आती हैं जैसी अभी आप लोगों ने आपने बताई या हम लोग जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो बुनियादी कारण इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, गरीबी है। देखिए अभी बजट पेश हुआ हम लोगों के यहाँ का, 2,80,000 करोड़ रुपए का बजट होता है हम लोग, 3 लाख से भी कम का बजट है। आबादी हमारी 14 करोड़ है, और 7 करोड़ की आबादी वाले तमिलनाडु का बजट 3.5 लाख करोड़ रुपए का होता है, मतलब हमारे से आबादी आधी है उसकी, आधी आबादी है, 7 करोड़ की आबादी है, और हमारे 2,80,000 करोड़ से 70,000 करोड़ रुपए ज्यादा का उसका बजट है, 3.5 लाख करोड़ का बजट पेश करते हैं। हम कृषि कृषि आधारित, हमको बिहार को कृषि आधारित राज्य कहा जाता है कि इकोनॉमी कृषि आधारित है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और कृषि पर अलग से बजट पेश करता है तमिलनाडु। 4 साल से वो एक ऐसा राज्य है जो कृषि का अलग बजट पेश करता है, जिस दिन बजट पेश होता है उसके अगले दिन कृषि का बजट पेश किया जाता है। तो ये विजन होता है नेता का, ये दृष्टि होती है अपने यहाँ इकोनॉमी ठीक करने की। बिहार में इस तरह का कुछ नहीं है। तो इकोनॉमी इतनी खराब है कि उस कंडीशन में जो आदमी सक्षम है वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज देता है, जो आदमी सक्षम नहीं है और जिसका बच्चा बाहर चला जाता है वो फिर बाहर ही आता है, वो वापस नहीं आता है, वो बाहर ही बस जाता है, और जो सक्षम नहीं है उसके बच्चे बिहार रह गए तो फिर वो क्या करेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, रोजगार के अवसर है नहीं, रोजगार के अवसर है नहीं। बिहार में कोई इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ही नहीं बना पाए अपने अपने प्रदेश में, बिहार में। तो दूसरे दूसरा डेवलपमेंट जो माइंस बेस्ड और दूसरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे करते अगर हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं लगा पाए। तो जो बच जाता है बिहार में उसके सामने यही 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो जमीन के खरीद बिक्री में लग जाए किसी तरह से, और उसमें फिर वो अगर उसके पास पूंजी नहीं है तो वो किसी न किसी बड़े माफिया का टूल बनता है, उसके लिए काम करता है और कभी कभी मारा जाता है, कभी घायल होता है, कभी उसका उसका जीवन उसमें नष्ट होता है जी। या फिर शराब की जब से पाबंदी लगी है पिछले 7-8 साल से, तो एक बड़ा उसको क्या लघु कुटीर उद्योग क्या कहें, वो तो मास स्केल की इंडस्ट्री बन गई है शराब का की तस्करी बिहार में, और दूसरी जो बालू की तस्करी है, बालू। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनका आपने भी नाम लिया। तो जो आज जो व्यक्ति, जैसे बिहार में देखिए जो बहुत थोड़े से लोगों के पास रोजगार है, सरकारी भी और अर्ध सरकारी भी और प्राइवेट भी, वो अपने बच्चों को तो बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अगर उनके पास भी 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो वो सबको नहीं भेज पाते हैं, सबकी हैसियत नहीं है कि वो अपने सभी बच्चों को बाहर भेज करके पढ़ा लें। और जो रह जाता है, अधिकतम आबादी के पास कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है और नियमित आय का साधन नहीं है, उनके बच्चे फिर इन कामों में आते हैं, तो इनका दायरा बढ़ता जाता है। ये एक छोटे से उद्योग से बढ़ करके और पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला, पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करने वाली ये माफिया गिरोह जो है ये बन गए, और इनके पीछे आज तमाम पार्टियां भले जो भी कहें, इनके पीछे किसी न किसी नेता की सरपरस्ती होती है, किसी न किसी नेता का हाथ होता है, चाहे वो लोकल लेवल पर हो या राज्य के स्तर पर हो, ऊंचे स्तर पर हो। पुलिस की मिलीभगत होती है, पुलिस की, प्रशासन की, सबकी मिलीभगत होती है, पुलिस भी। और देखिए अभी हम लोग कितने दिनों से सुन रहे हैं, अगर जैसे एक एक करके बात करें, आप बालू माफिया की बात करें, तो हम एक आंकड़ा, एक फिगर देख रहे थे कि बिहार में 1400-1500 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो सैंड के सैंड से जो उसकी बिक्री खरीद बिक्री से जो टैक्स का आय प्राप्त हुआ है बिहार सरकार को, वो 1400-1500 करोड़ रुपए का, महज 1500 करोड़ रुपए का। और आपको ज्ञानेश्वर जी अंदाजा है, हो सकता है आपने देखा हो, आम बिहार की जनता को नहीं पता होगा कि 1500 करोड़ की आय हुई है सरकार को और नुकसान कितने रेवेन्यू का हुआ है, एस्टोनिशिंग है अमाउंट। 7000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान होता है बालू की तस्करी से,
बालू के का जो माफिया है उसकी तस्करी से 7,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का लॉस होता है बिहार और जैसे केवल क्षेत्र। नुकसान ही नहीं होता है, जान माल की क्षति होती है। हमने कई बार देखा, कई बार आपने भी सुना, कई कई दिनों तक तो गोलियां चलती रहती हैं, लाशें गिरती हैं। जो गंगा है या दूसरी नदियां हैं वो बिल्कुल इन माफिया के कब्जे में है। और आप किस पार्टी की बात करेंगे? अभी हमने कहा सरकार बचाने के लिए आपने एक बालू माफिया की मदद ली। जब महागठबंधन की सरकार थी तो जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए। किनका किनका नाश करेंगे? आपने ठीक कहा कि बजट की बात करी और निवेश की बात हम करें। अभी यूपी में प्रधानमंत्री गए थे नरेंद्र मोदी, 10 लाख करोड़ रुपयों के निवेश की बात हो रही है। हमारे यहाँ निवेश ही नहीं होता है और जो बच गए बिहार में उनके पास रास्ते क्या होते हैं? भटक जाते हैं, फिर हाथ में कट्टा पकड़ लेते हैं, पिस्तौल पकड़ लेते हैं, तमंचा पकड़ लेते हैं और फिर बल प्रयोग। तो ये जो बालू माफिया है ये राजनीतिक सरपरस्ती का और सरकारें बदलती है समीक्षा का खेल सिर्फ होता है। ये जो है ना, ये वही सरपरस्ती की बात हम लोग कर रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है अब पटना समेत, जो राजधानी है पटना समेत, वहां से दक्षिण की तरफ बढ़ी है समूचा इलाका, चाहे भोजपुर का इलाका, भोजपुर हो, रोहतास हो, कैमूर हो, ये आपने गंगा नदी कही, सोन हो, पुनपुन हो, औरंगाबाद, और औरंगाबाद से फिर सटे हुए झारखंड में चले जाइए, जो वहां का ये इलाका है चतरा का और उसके साथ लगता पलामू का इलाका, आप ये पूरा पूरी बेल्ट है इस तरह से माफिया की। आपने राधाचरण सेठ का नाम लिया, ईडी का आकलन है, ईडी का आकलन है कि 7-8 महीने में 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है बालू की तस्करी, ईडी का आकलन है ये। तो ये इस तरह के जो रेवेन्यू, बिहार सरकार के पास रेवेन्यू का है क्या सोर्स? जब हम लोग 2-3 लाख करोड़ का बजट पेश करते हैं तो हम लोग का रेवेन्यू जो हासिल है वो 2 लाख करोड़ रुपए का है, 2 लाख करोड़। हम लोग डेफिसिट में जाती है सरकार, इतने 50-60 हजार 70 हजार करोड़ के डेफिसिट में जाती है, कर्ज लेना होता है। उस स्टेट में आप सोचिए अगर बालू के कारोबार में 7,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है और जान तो ऐसे जाती है। देखिए वो किस तरह से हम लोगों ने, हमने यहाँ दिल्ली में खबर पड़ी थी, महिला अधिकारी थी, माइनिंग की अधिकारी थी, पुलिस की अधिकारी थी, महिला अधिकारी, जिसके ऊपर हमला हो गया, ट्रैक्टर से कुचल देते हैं माफिया, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है। पुलिस और प्रशासन का अगर कोई भी आदमी, कोई ईमानदारी से अधिकारी कोई असर्ट करता है, जाकर के अगर इसको रोकने की कोशिश करता है तो उसकी जान ले ली जाती है। और ये बिहार में, झारखंड में एक बालू के ऐसी माफिया, आपने कहा जिनको अभी सरकार बचाने में जिनकी मदद ली गई, एक बालू के माफिया को झारखंड में टिकट दे दिया गया था लोकसभा चुनाव का, तो नाश कर देंगे, कैसे नाश कर देंगे बीजेपी वाले, ये कहते तो कहना तो बड़ा आसान है। तो ये पहले हम लोग एक इसको समझे कि जो हम लोगों की स्थिति है, हम लोगों की पूरी इकोनॉमी इसके ट्रैप में चली गई है, बिल्कुल, तो उससे निकालेंगे कैसे? आप आखिर, आपको जनता, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या आरजेडी हो या जेडीयू हो, उसको जेडीयू हो, उसको जनता से ही तो वोट लेना है और जनता का ही एक बड़ा हिस्सा इन सब कामों में संलग्न है। ये तो नहीं हो सकता है कि आप एक आदमी, आप राधाचरण सेठ के पकड़े जाने से थोड़े काम रुक जाएगा, या एक व्यक्ति को आपको रैली करनी होती है, चुनाव लड़ना होता है, इन्हीं के पास आप जाते हैं, वोट का ठेकेदार इन्हें ही बनाते हैं कि आप देख लेना। अब वही कह रहे हैं, तो आप उसको कैसे, अगर आप इन्हीं की मदद से भीड़ जुटाते हैं, इन्हीं की मदद से आप चंदा लेते हैं इन्हीं से, और आप इनको फिर वोट पर, इनका भी इन्हीं का कंट्रोल होता है, फिर जो माफिया बनते हैं उनके साथ उनके कास्ट का एक जुड़ाव ऐसा होता जाता है कि वो माफिया अपने कास्ट का लीडर बन जाता है। मैंने यही देखा है अजीत जी, जब निजाम बदलता है, सत्ता बदलती है, तो जो माफिया जो है उनके टाइटल ही सिर्फ बदल जाते हैं। किसी जमाने में सिंह साहब होंगे, किसी जमाने में शर्मा साहब होंगे, किसी जमाने में यादव जी होंगे, और फिर यही संघर्ष बढ़ता जाता है, सिंडिकेट का संघर्ष। पहले बालू में सिंह साहब, फिर यादव साहब, कौन कौन आते रहते हैं और संघर्ष, पहले से ये, पहले से ये, तो यही तो है बिहार का खेल। हाँ, तो इसको ये मंशा बहुत अच्छी है। सम्राट चौधरी ने कहा, वो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री हैं, और उनको पता है, जब उन्होंने वित्त का वो देखा होगा, रेवेन्यू का रिसिप्ट देखा होगा, जब खर्चे का बिल देखा होगा, तो उनको लगा होगा कि कैसे करेंगे ये, तो एक उनको ये भी समझ में आया होगा कि माफिया को खत्म करें, अगर माफिया खत्म हो, और जैसे अभी हम लोग थोड़े दिन पहले ही देख रहे थे कि चेक पोस्ट बनाने की बात हो रही है कि पटना में परमानेंट चेक पोस्ट बनेंगे, पटना से बाहर तमाम शहरों, जो छोटे छोटे कस्बे हैं जहां नदियां हैं, जो सोन हो, पुनपुन हो, गंगा हो, आप उसके वहां चेक पोस्ट बनाए जाएंगे और नए घाट खोले जाएंगे बालू निकालने के लिए। देखिए उस तो वो सब कहां हो रहा है? आप करके अगर स्ट्रीमलाइन कर दें चीजों को, रेवेन्यू वहां से जनरेट करने लगे, आप स्ट्रीमलाइन करें, आप सुरक्षा बढ़ाएं, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं रोक सकते, तुरंत तो नहीं रुक जाएगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग आपको करनी होगी कि ये रुके।
और ये एक बड़ा भारी एहसान होगा बिहार की जनता के ऊपर, बिहार की पारिस्थितिकी के ऊपर। पूरी इकोलॉजी बिगड़ रही है, पूरी नदियों की इकोलॉजी बिगड़ रही है, पूरा जो एक्वा लाइफ है, नदियों में जो क्रीचर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जो जो वनस्पति होती है, वो सबका सब खराब हो रहा है इस लैंड सैंड माफिया की वजह से। सम्राट चौधरी की नियत मंशा पर कोई सवाल नहीं है, उनकी मंशा बहुत अच्छी होगी कि ये रोकना है, लेकिन वही बड़ा सवाल है कि आप कैसे रोकेंगे। क्या आप नुकसान उठाने को तैयार हैं? क्या आप जोखिम लेंगे, अलोकप्रिय होंगे? हम लोग तो देख रहे हैं कि एक के पाठक शिक्षा में थोड़ा सा सुधार करने चले हैं तो रोज गालियां पड़ती है उनको। तो कैसे सरकार गिरी? और आपको आश्चर्य होगा, अजीत जी आपको आश्चर्य होगा, गाड़ियों की चोरी के किस्से तो आप देश भर में सुनते होंगे, बिहार में ट्रैक्टर की भी चोरी होती है। और चुराने वाले कौन होते हैं? बड़ी संख्या में चोरी होती है, ट्रैक्टर की चोरी में भी सैंड माफिया, छोटे छोटे लोग शामिल हो जाते हैं, क्योंकि कितने ट्रैक्टर रोज किस घाट से, पुलिस से लेकर पूरा एक सिंडिकेट सिस्टम बना हुआ है, और इसमें बड़े बड़े राजनेता शामिल हो जाते हैं, सभी पार्टियों के राजनेता शामिल है, और संघर्ष वही होता है, गोलियां वही चलती है। तो जब तक आप अपने को साफ नहीं करेंगे, आप कहां से भाई आरएस भर्ती क्या कर लेंगे और दूसरा कोई क्या कर लेगा? हाँ, जब आप मदद लेंगे सरकार बचाने में, जब आप मदद लेंगे सरकार गिराने में, तो बालू माफिया की ये स्थिति है अजीत जी। वही अलोकप्रिय होने का जोखिम उठाना होगा, अलोकप्रिय होने का जोखिम उठाना होगा, और वो सम्राट चौधरी उठाएं, अभी उप मुख्यमंत्री रह के उठाएं, भविष्य में कभी मुख्यमंत्री हो जाए तब उठाएं, अलोकप्रिय होने का जोखिम उठाना होगा। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा कि आपको नुकसान हो सकता है। हम लोगों ने देखा है दिल्ली में, दिल्ली की सफाई के अभियान, सफाई का अभियान चलाने वाले, गंगा का, ये जमुना का रिवर फ्रंट साफ साफ कराने वाले और सब करने वाले जगमोहन किस तरह से हारे और किस गति को प्राप्त हुए। यहाँ लोग हरवा देते हैं, चुनाव हारने का जोखिम उठाना होगा, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलते। बिहार में जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने कोशिश नहीं की। नीतीश कुमार जब आए शासन में 2005 में तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, इंडस्ट्री को लेकर के उन्होंने पॉलिसी बनाई, सिंगल विंडो क्लियरेंस के कानून बनाए, उन्होंने भी बड़ी चीजें की, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, और जब जो आप जिसको कहते हैं समावेशी विकास होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, जब और हर सेक्टर में ग्रोथ होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का जीवन जब सुधरना शुरू होगा तो इन सब चीजों से ये सब चीजें नहीं फलेंगी फूलेंगी, लेकिन वो हुआ नहीं है। और ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके करनी होगी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो एग्रीकल्चर पर। देखिए बिहार में, बिहार की आबादी का लगभग 60% हिस्सा अब भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, कृषि पर निर्भर है, जिस कृषि का टोटल जीडीपी में हिस्सा 23-24% है, एक चौथाई जिस सेक्टर का हिस्सा है उस सेक्टर में 60% लोग रोजगार पा रहे हैं अभी भी, तो उसमें क्या रोजगार मिलता होगा, कितने का रोजगार मिलता होगा? 2,000-5,000 रुपए महीने से ज्यादा का रोजगार किसी को एग्रीकल्चर में नहीं मिल सकता है, कितना भी हो जाए। बिहार में एग्रीकल्चर की जो आय है, किसान की आय है, वो 6,000 रुपए है, और ये तुलना जब करते हैं लोग पंजाब के किसान से, उसकी 26,000 है एवरेज आय उसकी कृषि से, तो ये क्योंकि वहां एमएसपी का सिस्टम है। हम लोगों के यहाँ बिहार में नीतीश कुमार आए तो उन्होंने मंडियों का सिस्टम खत्म कर दिया, जब मंडियों का सिस्टम खत्म हो गया, एपीएमसी और बाजार समितियां खत्म हो गई, तो क्या वैकल्पिक क्या सिस्टम इवॉल्व हुआ? नहीं इवॉल्व हुआ। लालू यादव रेल मंत्री हुए तो उन्होंने सब्जी पहुंचाने वाली ट्रेन चलाई, लेकिन वो कितने दिन चली वो ट्रेन? तो ये इधर से कभी इधर से एक एक चीज इस तरह से करने से नहीं होगा, जब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगा, एजुकेशन में सुधार नहीं होगा, शिक्षा की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। अपने बच्चों को, हमारे बिहार के बच्चे हजारों करोड़ रुपए हर महीना बाहर देते हैं जाकर के दूसरे राज्यों में अपनी पढ़ाई पर खर्च करते हैं जी। ये अगर क्या एजुकेशन की इंडस्ट्री बिहार में नहीं बन सकती है क्या? बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा ट्यूशन पढ़ाने वाले, बिहार यहाँ दिल्ली में हम देखते हैं कि सबसे बढ़िया ट्यूशन पढ़ाने वाले बच्चे बिहार के होते हैं, मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, तो बिहार के बच्चे पढ़ाते हैं। क्या वहां ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि कोचिंग का ही, अगर कोचिंग ही फलना फूलना है तो कोटा के बजाय बिहार में फले फूले? कोटा भी तो बिहार से ही चल रहा है, बिहार से ही चल रहा है, तो बिहार के बच्चों बिहार में ही चलाएं, बिहार के लोग चलाएं। तो एक ही ये इस तरह की एक विजन की जरूरत होती है। ये अगर ये सिर्फ ये कह दे रहा, वही हम बात इस पर से कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने भी बहुत कोशिश की, और एक सर्टेन टाइम के बाद, जब 2010 के बाद हमको लगता है कि उन्होंने हथियार डाल दिए, उनको लगा कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते। ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है, ये हार मान लेना जो है ना, ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति, बहुत खराब प्रवृत्ति है। हम लोग को इसका स्वागत करना चाहिए जो सम्राट चौधरी ने कहा है, लेकिन वो हार नहीं माना चाहिए जी, हार नहीं। चलिए हम बालू माफिया से आगे चलते हैं, जमीन माफिया की बात करते हैं, जो हमने कहा। देखिए बिहार कुछ
बनाता नहीं है, प्रोड्यूस नहीं करता, केवल खाते हैं, हम कंज्यूमर हैं। दूसरे स्टेट से आते हैं प्रोडक्ट, उन्हें खाते हैं और जीएसटी देते हैं, ठीक है। और बिहार में यदि किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो सिर्फ और सिर्फ जमीन की कीमत बढ़ती है। कितनी कीमत बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है? कल ही एक पार्टी में मुझे एक जानने वाले बता रहे थे कि उन्होंने पटना में पालीगंज के पास कोई 4 साल पहले 3.5 लाख रुपए कट्ठे जमीन ली और आज उस जमीन की कीमत 15 लाख रुपए कट्ठा है। बताइए क्या हो गया, समझ में नहीं आता है। कौन सा डेवलपमेंट हो गया, क्या चीजें आ गई कि जमीन की कीमत, और फिर जब जमीन की कीमत इस तरीके से रॉकेट की तरह बढ़ती है तो जिनके हाथ में कट्टा आ गया, बिहार के लोग आप जानते हैं मुकदमेबाज बहुत होते हैं, जमीन को मुकदमा में फंसा दिया गया, विवाद में फंसा दिया गया, जहां आप चलेंगे लिखा रहेगा यह जमीन बिक्री का नहीं है, यह जमीन विवादित है, यह जमीन बैंक के नाम बंधक है, तो जमीन का खेला। और फिर वहां तो ब्लड बाट होता ही है, गोलियां चलती ही चलती हैं। तो जमीन सही है कि देखिए जमीन के कारण ही सबसे अधिक हत्याएं बिहार में हो रही हैं, और ये ऐसी हत्याएं हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा नहीं है, पुलिस को भी पता नहीं होता है कि कहां क्या हो रहा है। और अब तो आपको ये बताएं कि पुलिस में भी ऐसे ऐसे दस्ते हैं, चूंकि मैं क्राइम रिपोर्टिंग भी करता रहा हूं, जो जमीन कब्जा कराने में भूमिका निभाते हैं। तो ये एक दूसरा थे जी, ये एक दूसरा थे। और फिर इनमें नेताओं की संलिप्तता भी सामने आती है, जहां विवादित जमीन वहां नेताजी की पंचायत, जो बाहुबल वाले हैं उनके नाम जमीन आप एग्रीमेंट कर दीजिए, आप समझ लीजिए नारा ब्यारा हो जाएगा। देखिए ये भी पेरेनियल प्रॉब्लम है, उसी तरह का प्रॉब्लम है जिस तरह से हम लोग इकोनॉमी का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे और सैंड माफिया की बात कर रहे थे, ये भी पेरेनियल प्रॉब्लम है, सनातन समस्या है, एकदम चिरंतन समस्या है बिहार की। और कारण इसका भी बहुत पुराना कारण, कई 3-4 कारण है। पहला तो एक ये है कि सस्ता फ्लैट नोएडा में है अजीत जी, पटना से सस्ता फ्लैट बिल्कुल है, बिल्कुल है, हम तो खुद ही देख रहे हैं दिल्ली में और ये एनसीआर में जमीन का रेट भी देख रहे हैं, फ्लैट का भी, और पटना में, और हम अपने मोतिहारी में भी जमीन का रेट देख रहे हैं कि वहां स्क्वायर फीट पर जमीन बिक रही है, जब मोतिहारी जैसे शहर में, तो आप बताइए शहर क्या, शहर से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर गांव में। तो ये समस्या, उसकी समस्या की बुनियाद में कई चीजें हैं, जैसे एक एक चीज तो ये है कि जो एवरेज लैंड होल्डिंग है बिहार में वो बहुत कम है, बिहार की आबादी बहुत बड़ी है और लैंड का एरिया बहुत छोटा है, तो पर कैपिटल लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत छोटी सी है, बहुत कम है, मामूली सी लैंड होल्डिंग है बिहार के लोगों की। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जमीन, जिसके पास पैसा आया उसने समझा कि पैसा तो हमारा बढ़ सकता है, लेकिन जमीन तो बिहार की नहीं बढ़नी है, तो जमीन खरीद करके रखें, तो जिसके पास हाँ वही इन्वेस्टमेंट एक है, और ब्लैक मनी का भी एक, जो कई चीजें बढ़ी अपनी, जैसे सैंड माफिया की ब्लैक मनी हो, या आगे हम लोग शराब माफिया बात करें, तो जो पैसे आए या जिनके पास ईमानदारी के भी पैसे थे। देखिए एक वर्ग तो है ना जो सरकारी नौकरी कर रहा है, भारत सरकार की नौकरियों में है, बिहार सरकार की नौकरियों में है, या बिजनेस जिसका अच्छा चल रहा है, जिसके बच्चे बाहर जाकर के कमा रहे हैं, तो उसके पास वाइट का भी पैसा आया तो उसने सस्ती जमीनें खरीदनी शुरू की, क्योंकि उसके पास जमीन नहीं थी। तो जमीन जिसने खरीदनी शुरू की, और आप देखिए इस बात को ऐसे समझिए ना कि जमीन का की मात्रा बहुत छोटी, बहुत रकबा बहुत छोटा है जमीन का, तो उस इसके लिए उसने जमीनें खरीदनी शुरू की, 2 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा, इसकी वजह से रेट बढ़ने शुरू हुए। जो आप 4 कट्ठा 4.5 लाख जमीन का रेट था वो 15 लाख, 4 गुना रेट उसका बढ़ गया, इसी वजह से बढ़ गया क्योंकि खरीदार मिल गया, उसको खरीदार है तो उसकी उसका रेट बढ़ गया, उपलब्धता कम है तो उसकी मांग ज्यादा होगी, ये सप्लाई एंड डिमांड का मामला आता है दूसरा मामला, चूंकि उपलब्धता कम है और डिमांड ज्यादा हो गई तो सप्लाई का संकट आया, जिससे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। हम लोगों के यहाँ एक तीसरी समस्या क्या है कि पुश्तैनी जमीनों का बंटवारा नहीं हुआ है, और ये बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, अंग्रेज के बाद से इसका बंटवारा नहीं हुआ, न कागज बने पक्के तौर पर किसी के और न उसका बंटवारा हुआ बड़े हेफाजत तरीके से। बिहार में जब सीलिंग का कानून लगा था तो उस सीलिंग के कानून से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने दूसरे रिश्तेदारों, जानने वालों और अन्य लोगों के नाम पर जमीनें कर दी, वो फिर बाद में जमीन के मालिक बन गए, उसके लिए लड़ाइयां शुरू हो गई, उस जमीन फिर वो चुकी जिसके नाम से कागज है, मालिक तो वही है, फिर परिवारों में, घरों में झगड़े बढ़े, रिश्तेदारियों में झगड़े बढ़े, तो ये एक पूरा सिस्टम, एक ऐसा विशियस साइकिल है इसमें। फिर हम अगर डिमांड सप्लाई की बात करें तो डिमांड है, सप्लाई नहीं है, तो इस तरह के लिटिगेटेड जमीन खोजी जाने लगी कि कहां किस जमीन पर विवाद है,
फिर उस जमीन को माफिया कब्जा करने लगे और कब्जा करके उसको अपने बाहुबल के दम पर बेचने लगे, इसमें खून खराबे शुरू हुए। तो ये पूरा कुल मिलाकर के इतना बड़ा एक धंधा बन गया जिस धंधे में बाहुबलियों की भी जरूरत है, गोली बंदूक चलाने वाले नौजवानों की भी जरूरत है, जमीन की पैमाइश करने वाले, जमीन दिखाने वाले, मतलब एक तरह का ये भी एक उद्योग बन गया वहां जमीन का। जमीन है नहीं, एक ही जमीन कई कई बार बेची जा रही है। आप जब हम जाते हैं मोतिहारी जाएं तो जब जाएं तो पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1872 का खतियान निकाल रहा था कि किसके परबाबा और के परबाबा के नाम से जमीन है और उसमें किसने बेची है किसने नहीं बेची है। अगर एक भाई ने बेच दी है दूसरे ने नहीं बेची है तो दूसरा फिर बेचेगा उसको, और इसमें मारपिटाई। अब ये जाकर के लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल करने का जो अभी काम शुरू हुआ है, ये भी बड़े इसको युद्ध स्तर पर करने की जरूरत है। अगर इससे निजात पाना है, अगर इसको रोकना है, इस तरह की हिंसा को रोकना है, और इसमें जो माफिया पनप रहे, आपने ठीक कहा कि उसमें दो तरह से लोग नेताओं की भूमिका हो जा रही। एक तो नेता के पास पुलिस प्रशासन का बल है, बाहुबल है कि वो बैठ करके पंचायती कर रहा है, और उसमें जिस तरह से दो बिल्लियों की रोटी बांटने में वो जो हम लोग सुनते हैं बंदर वाली कहानी, उस तरह की कहानी हो गई कि दो लोगों के झगड़े में घुस गए और उसमें अपना हिस्सा बना लिया। बिल्कुल, उस हिस्से से जो पैसा आया, उस पैसे से जो माफिया है, अगर वो नेता पहले से नहीं है तो इस लैंड माफिया बन के पैसे कमा करके फिर वो नेतागिरी में आ रहा है। जो पैसा उसके पास इजी मनी आया कहीं से, वो अनाप शनाप रुपया लुटाएगा, अपने आसपास लोगों को रखेगा और एक बाहुबली नेता बन जाएगा। तो ये पूरा एक साइकिल है। इस साइकिल को दूर करने का तरीका पुश्तैनी जमीनों का बंटवारा हो, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी डिजिटल हो, और जो डिस्ट्रिक्ट में आपने कहा जो पुलिस का काम है, एक बड़ी कमाई हो गया पुलिस का। पहले हफ्ता वसूलने का काम हम लोग सुनते थे, अब जमीन पर कब्जा दिलाना और कब्जा छुड़ाना पुलिस का बहुत बड़ा काम होता है हर जिले में, और बड़े वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में ये काम होता है। तो जब आप कहती है, कोई भी सरकार कहती है, चाहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हो या इसके पहले तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर काबू करेंगे, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा इशू है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जमीन का मामला लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। जमीन के मामले में खून हो खराबा हो तभी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये ओवरऑल अपने आप में जमीन का मामला लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो गया। और पुलिस का देती है, ये सिविल डिस्प्यूट है, इसमें हम पड़ेंगे नहीं। नहीं है सिविल डिस्प्यूट, जहां आपकी पहुंच नहीं है वहां वहां पुलिस के लिए ये सब है सिविल डिस्प्यूट है, आप न्यायालय में जाइए। और इधर जी वही ये सिविल डिस्प्यूट नहीं है, ये एक भ्रम पैदा किया है। जमीन का मामला देश बिहार में फौजदारी का मामला है, ये सिविल कभी मामला नहीं है। कोई भी मामला जमीन का सिविल नहीं है। आप फौजदारी तभी मानिएगा जब उस जमीन पर लाश गिर जाएगी या गोली चल जाएगी। जमीन का पूरा मामला फौजदारी का है, इसको उसी हिसाब से लिटिगेशन सुलझाए जाने चाहिए हैं। तीन तीन पीढ़ियां एक जमीन का मुकदमा लड़ते लड़ते खत्म हो जा रही है बिहार में, तीन तीन पीढ़ी जमीन का मुकदमा, सिविल का मुकदमा ही नहीं खत्म होता है बिहार में, फौजदारी के मुकदमे भी नहीं खत्म होते हैं। लेकिन इसको उस तरह से माने, इसको लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम माने, जमीन के सारे मामले को लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम माने और युद्ध स्तर पर इसको सुलझाए तो बड़ा भला होगा। एक तो रेवेन्यू का भी, सरकार को रेवेन्यू का भी फायदा होगा, लैंड रेवेन्यू का फायदा होगा, विकास के लिए जमीनें मिलेंगी लोगों को, लोगों के झगड़े सुलझेंगे, हत्याएं बंद होंगी, खून खराबा बंद होगा। इसके बड़े फायदे हैं सरकार अगर इस पर ध्यान दे तो। जी अजीत जी, अब चलते हैं शराब माफिया, लीकर माफिया। देखिए, जब नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की तब वे महागठबंधन की सरकार के मुखिया थे, और इसके बाद फिर से बीजेपी की सरकार बनी, फिर महागठबंधन की सरकार बनी, फिर बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी जब विपक्ष में रही, अपोजिशन में रही, तो उसने बार बार कहा कि शराबबंदी नीति की समीक्षा होनी चाहिए। कोर्ट की टिप्पणियां भी आपको पता ही है क्या क्या कोर्ट कहता रहा है। और अब तो शराब सिंडिकेट ने होम डिलीवरी है, गांव के मोहल्ले मोहल्ले में शराब के सप्लायर पैदा किए हैं, क्रिमिनल पैदा किए हैं। जिस दिन ये खत्म करेंगे उस दिन भी एक बड़ी समस्या पैदा होगी, क्योंकि जब शराब की डिलीवरी से पैसे आए, बदमाश बने, तो सबसे पहले हाथ में हथियार पकड़ा ताकि दूसरे से निपट सके। तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं शराब माफिया को। और देखिए, बिहार में समीक्षा तो होती नहीं। नीतीश कुमार ने भी विधानसभा में फिर से कहा कि मैंने शराबबंदी लागू किया, बहुतों को अच्छा नहीं लगता है, मतलब ये अच्छा। लेकिन अब बीजेपी शराब नीति में समीक्षा की मांग नहीं करेगी, जहरीली मौत होगी तब भी नहीं बोलेगी। लेकिन गुजरात देखिए, नरेंद्र मोदी का प्रदेश, उसने समीक्षा की। जब उसने गिफ्ट सिटी बनाया तो वहां डाइन बिट बाइन पॉलिसी, खाइए और पीजिए, यह भी लागू कर दिया।
हम अपने प्रदेश का हाल देखते हैं, होम डिलीवरी तो हो ही रही है, लेकिन जो शहर है, जो बोध गया पर्यटकों का सबसे बड़ा शहर, वहां के होटल वाले रोते हैं, टूरिस्ट आते हैं दिन भर ठहरते हैं, रात को चले जाते हैं, बनारस चले जाते हैं, कोडरमा चले जाते हैं, जो हमारे सीमावर्ती शहर है दूसरे प्रदेशों के हुए फल फूल रहे हैं। और यहाँ शराब की होम डिलीवरी हो रही है, सरकार का नुकसान अलग और सिंडिकेट। और हमने इतिहास देखा है, आपने भी देखा है, चाहे अमेरिका का इतिहास हो, चाहे मुंबई प्रोविंस का इतिहास हो, कि जब जब शराबबंदी हुई है आपराधिक गिरोह बढ़े हैं, और जब शराबबंदी खत्म हुई है तो वह ऑर्गेनाइज क्राइम का गैंग हो गया है। मुंबई में ही देख लीजिए, चाहे आप हाजी मस्तान का नाम ले, चाहे दाऊद इब्राहिम का नाम ले, चाहे जिसका भी नाम ले, सब कहीं ना कहीं से इसकी ही उपज है। तो बिहार में अब तो आप देख ही रहे हैं, बड़ी शादियां नहीं हो रही है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज नहीं हो रहे हैं, तो नुकसान अलग और लाश अलग। इसको इन्हीं दोनों पहलुओं से देखने की जरूरत है। उसके पहले आपने जैसे गुजरात की मिसाल दी, अभी पिछले मतलब 2 महीने पहले दिसंबर में मणिपुर ने जी शराबबंदी खत्म की है। मणिपुर जी बड़ा छोटा सा राज्य है, बहुत छोटा सा, पूर्वोत्तर का अशांत राज्य है। 30 साल से वहां शराबबंदी थी, 30 साल से, और 3 दशक के बाद उसने शराबबंदी खत्म की है अभी पिछले साल दिसंबर में, दिसंबर 2023 में। तो ये भी जी एक बिंदु हो सकता है सोचने का, बिहार सरकार के भी सोचने का एक बिंदु हो सकता है कि जब उस छोटे से राज्य ने खत्म किया और उसका आकलन है वहां, और बड़ा रियलिस्टिक आकलन है कि उसको 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। बिहार में जी तो 4000 करोड़ का रेवेन्यू 2016 से पहले मिलता था शराब से, अब वो बढ़ के 8000 करोड़ हुआ रहता या उससे भी ज्यादा हुआ रहता अगर रेगुलेट करते आप शराब के कारोबार को। आपने एक बार ऐसा किया कि गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकानें खुलवाई, और उसके बाद जी आपने अचानक प्रोहिबिशन कर दिया, उसको बंद कर दिया। इसका सबसे पहला नुकसान तो ये हुआ, ये बात एक हद तक ठीक है कि घरेलू हिंसा में कमी आई, लेकिन बड़ा नुकसान ये हुआ कि एक ब्लैक मनी की पूरी इकोनॉमी तैयार हो गई बिहार में, और शराब की तस्करी करने वालों की एक पूरी पीढ़ी तैयार हो गई। एक पूरी पीढ़ी का जीवन नष्ट हो गया बिहार में इस शराब के पीछे, इजी मनी के पीछे। बिहार से जो लगती हुई सीमा है, ये सब हम भी आप सब लोग जानते हैं कि जो भी सीमावर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो बिहार हो, इन लोगों ने बॉर्डर के एरियाज में शराब की ज्यादा दुकानें खुलवा दी, क्योंकि उनको पता था कि बिहार में शराब की जरूरत है, वो इधर से पूरी होगी। और इसका मतलब वो उनके रेवेन्यू बढ़ गए शराब के, जितने सीमावर्ती इलाके हैं उनकी वजह से, उनकी शराब की बिक्री की वजह से। और नौजवानों का, बिहार के नौजवानों का साइकिल से, मोटरसाइकिल से कोई 2 बोतल ला के बेच रहा है, कोई 5 बोतल ला के बेच रहा है, कोई पेटी भर के ला रहा है, कोई गाड़ियों में भर के ला करके बेच रहा है। तो स्मगलिंग का पूरा एक छोटा छोटे एक लघु उद्योग से लेकर के सिंडिकेटेड बिजनेस खड़ा हो गया बिहार में। और इसके पीछे ये जो राइवलरी बढ़ी और इसके साथ जो धन आया, उसने लॉ एंड ऑर्डर का संकट क्रिएट किया, और लॉ एंड ऑर्डर का संकट उसमें अभी बहुत नहीं दिखता है। मान लीजिए जैसे सैंड माफिया की तरह या शराब माफिया की तरह, तो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वो बहुत स्मूथ तरीके से उसका बिजनेस हो रहा है। उसमें बिजनेस करने वाले की जो पार्टीज हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो नोन प्लेयर्स हैं ऑलरेडी। कई राज्यों में वो लोग शराब का काम करते हैं और उनकी देखरेख में, उनके नेटवर्क के थ्रू ये सारा काम हो रहा है। तो वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कम बन रहा है, लेकिन ब्लैक मनी की जो इकोनॉमी बन रही है, जिसकी वजह से जमीन का माफिया पनप रहा है, ये उसमें कहीं ना कहीं शराब का बहुत बड़ा योगदान है नहीं, आप इसमें भी लाते उसके। मिलने लगे हैं। देखिए अजी जी, हो क्या रहा है कि एक क्षेत्र में दूसरा आकर बेच दे रहा है, अब वो एक एक ही प्रॉब्लम क्षेत्र। है। हाँ, तो ये अब उधर भी बढ़ रहा है कि ओ मेरे इलाके में आकर इसने शराब की होम डिलीवरी कर दी, ठोक दो। और जो कर रहा है, जो इस सिंडिकेट में शामिल हो रहा है, जो इस धंधे में शामिल हो रहा है, उसके पास हथियार निश्चित तौर पर आ रहे हैं अजी जी। ये तो बहुत इजी मनी है ना। एक तो हम लोग पहले भी सुनते थे, जब सरकार कारोबार करती तब भी आबकारी के बारे में सुनते थे कि पानी का पैसा है। जी ये जब नकली शराब आएगी, जब अनरेगुलेटेड कहीं से लीकर आएगा, तो उसको में आप तो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते ना। आप क्वालिटी चेक कैसे करिएगा, कोई इलीगल जी धंधे में क्वालिटी कैसे चेक करिएगा। फिर वो सिंपल पानी का पैसा है, जहरी उस पैसे से दुनिया भर का पैसा आ रहा है, उसे हथियार खरीदिए, अपने अपना गैंग बड़ा करिए, गैंग बड़ा करके और आप दूसरे के एरिया पर कब्जा करने की कोशिश करिए, फिर तीसरा एरिया कब्जा करिए। ये तो गैंग वार की शुरुआत, अभी तो 6-7 साल ही हुए हैं बिहार में शराब की जी बंदी के, 7 साल हुए हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक देखिएगा कि जिस तरह से सिंडिकेट बने और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मुंबई में बना, जिसका आपने अभी बताया, उस तरह का बिहार में भी हो जाएगी स्थिति। और नुकसान जो है, जैसे इकोनॉमी में हमने पहले फिर पहले कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए का हम लोग का रेवेन्यू आता है, उसमें 8000 करोड़ तो बहुत बड़ा हिस्सा हो गया।
उतना बड़ा ऑलमोस्ट 4% का हिस्सा अगर सिर्फ आबकारी से शराब से आता तो वो तो इकोनॉमी में हमारे योगदान करता, आप उसका इस्तेमाल दूसरी जगह कर सकते हो, पैसे तो आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो पैसा आ नहीं रहा है, लेकिन वो सरकार के पास नहीं जा रहा है। केवल आप उस रेवेन्यू की बात करें अजीत जी, मैं एक छोटा सा मतलब उदाहरण देता हूँ। जब 2016 में शराबबंदी लागू की गई, कुछ ही महीने के बाद मैं पटना के एक बड़े प्रतिष्ठान में गया, दुकान में गया, वे ब्रांडेड कपड़े बेचते हैं। तो मैंने पूछा, जानने वाले थे, मैंने पूछा क्या हाल है, उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों से बोहनी नहीं हुई, कोई खरीदार नहीं आया। हम केवल शराब से होने वाले सरकारी राजस्व के नुकसान की बात नहीं करते। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा शराबबंदी लागू हो गई। हमने कहा इससे आपकी बिक्री पर क्या असर पड़ा, उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि जो ब्रांड आपको दिल्ली में मिलते थे, मुंबई में मिलते थे, वो मैं रखता था, आप गाहे बेगाहे यहां चले आते थे, मतलब जो शौकीन लोग होते थे, लेकिन अब जिन्हें पीना ही पीना है वे दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, और जब वे जा रहे हैं नियमित रूप से तो वे उन ब्रांड्स के बड़े आउटलेट में जा रहे हैं जहां ज्यादा वैरायटीज है। यहां यदि आप किसी को 4 खरीदवा भी दें तो शहर छोटा है, चर्चा हो जाती है। ज्ञानेश्वर जी ने अजीत जी को 4 बॉस के टी शर्ट खरीदवा दिए, लेकिन कोलकाता में खरीदवा दें, दिल्ली में खरीदवा दें, किसी को पता नहीं चलेगा। तो जब जाना ही है दिल्ली मुंबई तो हम वहां क्यों नहीं खरीदेंगे, तो हमारी आमद कम हो गई, हमारी बोहनी ही बंद हो गई। तो नुकसान का जो दूसरा इनडायरेक्ट पक्ष है वो भी बहुत बड़ा पक्ष है। हाँ, तो ये तो पूरा साइकिल बन जाता है ना, क्या सर, ये साइकिल बन गया। जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, जो बड़े होटल्स हैं जहां का क्लाइंटेल बड़ा होता था, जो बड़े ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, जो हाई एंड क्लाइंटेल था वो तो प्रभावित होगा ही इस तरह से। एक तो पूरा साइकिल बन जाएगा इस बिजनेस की वजह से। तो और माफिया पलटता है, इंटरेस्ट ग्रुप्स पनपते हैं और अपने लिए वो फिर स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं, फिर वो नेताओं को तैयार करते हैं, अधिकारियों को करप्ट करते हैं। ये पूरा, ये जो 3 चीजें हम लोग डिस्कस जिन 3 चीजों का कर रहे हैं, इसने पूरे सिस्टम को करप्ट किया है। चाहे शराब का इलीगल कारोबार हो, बालू का इलीगल कारोबार हो, या जमीन का कारोबार हो, इन्होंने इसने पूरे सिस्टम को करप्ट किया है, ब्यूरोक्रेसी को करप्ट किया है, पॉलिटिशियंस को करप्ट किया है, हमारे आपके पेशे में पत्रकारिता को करप्ट किया है, 10 तरह की चीजें। जुडिशियरी को कोई क्षेत्र बचा नहीं होता है, जहां पैसा नहीं पहुंचता है, जहां इजी मनी है वो नहीं पहुंचा रहे हैं लोग। तो ये पूरा सिस्टम करप्ट होता है, ब्लैक मनी की पूरी इकोनॉमी बन जाती है, और जो जो व्हाइट इकोनॉमी है, जो नियमित इकोनॉमी है, वो लगातार कमजोर होती जाती है। फिर आप कैसे डेवलपमेंट का काम करेंगे, फिर आप कैसे एजुकेशन बेटर करेंगे, कैसे स्वास्थ्य को बेटर करेंगे, कैसे लॉ एंड ऑर्डर बेटर करेंगे। तो ये लेकिन ये कैसे होगा, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे समूल नाश, क्या ठोकवा देंगे सबको, वही कह रहे हैं। तो डेट ठोक सकते हैं ना आप, या तो फिर अभी वैसे भी वो मुख्यमंत्री नहीं है, अगर मुख्यमंत्री हो और जैसा आपने पहले कहा कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल इंप्लीमेंट करे कि जहां भी हो एक शराब कारोबारी पकड़ा गया बुलडोजर चला दो, उसकी घर गिरा दो, दुकान गिरा दो, सैंड माफिया पकड़ा गया उसका घर गिरा दो, बुलडोजर चला दो, ये एक हो सकता है। हालांकि उसमें भी बड़ा सेलेक्टिव होता है, चुनिंदा होता है, जाति धर्म देख करके होता है, लेकिन वो करने के लिए भी अभी तो नहीं है सलाहियत, अभी तो सरकार नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार क्या पहल करते हैं, सम्राट चौधरी की अगर मंशा है ये, वो अलोकप्रिय होने का जोखिम उठाए, वो अपनी पार्टी को इस बात के लिए तैयार करें। देखिए, हो सकता है कि थोड़ा कभी नुकसान हो, लेकिन ये बिहार का बहुत बड़ा भला होगा और बड़ी आबादी उनके साथ जुड़ सकती है अगर वो ईमानदारी से इस दिशा में पहल करें। उनके पास जो भी मिनिस्ट्री होती है उसमें लगे, फाइनेंस उनके पास है, उसी को रेगुलेट करने की कोशिश करें, कहें कि हम इलीगल कारोबार, उनके पास एजेंसीज है, वो रुकवाएं ब्लैक मनी की इकोनॉमी को बंद करने की कोशिश करें। अगर ये सब करें ईमानदारी से, थोड़ी हो सकता है लोकप्रियता हो, लेकिन बड़ा भारी, जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि के पाठक जनता के तो हीरो हैं, भले नेताओं के हीरो ना हो लेकिन जनता के तो हीरो हैं, तो जनता का हीरो बन जाइए भाई। अभी क्या, अभी मौका है सम्राट चौधरी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, और अगर नीतीश कुमार की विरासत लेनी है तो अभी हीरो बन जाइए, अभी जनता के लिए काम करिए, ऐसे काम करें जिससे आम आदमी माफिया का नाश का हीरो बन गए ना, बिल्कुल बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। चलिए, तो सम्राट चौधरी ने जैसा कहा है करते क्या है देखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, क्या बिहार में बुलडोजर चलेगा, सारे माफिया ठोक दिए जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा कि ये बीजेपी के हैं, ये जेडीयू के हैं, ये आरजेडी के हैं, क्योंकि सरकार बचाने में, सरकार गिराने में इनकी मदद तो आप लेते ही हैं, चाहे दल कोई भी हो और गठबंधन कोई भी हो। तो आगे क्या, इस पर भी हम ध्यान रखेंगे, आपसे चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीन को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को Facebook पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।